ये तीन चार डेड बॉडी आ जाता है, ये लगाने वास्ते दिक्कत होती है। यहाँ पे जो कोई करता नहीं है, हम लोग करते हैं, हल हल के जराते हैं। दाह संस्कार किया गया है, उसके अलावा एक दो बॉडी घाट पे भी किनारे ही जला दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुशील चौहान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त सुशील चौहान। दोस्तों आज मैं पहुँच चुका हूँ वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। दोस्तों जैसा कि बढ़ती गंगा के जलस्तर के कारण हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार का जो स्थान है वह बदल गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना तेज़ी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। आइए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, जहां पे दाह संस्कार होता था उस स्थान को बदल दिया गया है। और यहाँ का नज़ारा आप सभी देखने वाले हैं कि कितना तेज़ी से गंगा का जलस्तर जो है वह बढ़ रहा है। और जो दाह संस्कार करने का स्थान है उसे भी बदल दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे दाह संस्कार नहीं हो रहा है। दोस्तों इसी के पास में ही गली में दाह संस्कार किया जा रहा है। आइए हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले दाह संस्कार उधर होता था, जो कि पूरी तरीके से बढ़ती गंगा के जलस्तर के कारण डूब चुका है। और इधर सीढ़ियों पर भी दाह संस्कार किया जाता था, ये भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और गंगा का जो जलस्तर है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इधर तक गंगा का जो पानी है वह पहुँच चुका है, इसे भी कुछ कवर कर लिया है। आइए हम पास से दिखाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यह प्राकृतिक सौदाह गृह है। आइए हम पास से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ दुकान थे, कफन धूप राल इत्यादि के, उसे भी ऊपर कर दिया गया है, ऊपर लगा दिया गया है दुकान को। और इधर देख सकते हैं इसे भी पूरी तरीके से माँ गंगा कवर कर ली है। यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। अब देखिए बहुत तेज़ी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, वह कुछ दिन में और ऊपर तक पहुँच जाएगा। और इधर देख सकते हैं कूड़े का ढेर आकर लग गया है यहाँ पे। आइए हम इस पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे जाके। देख सकते हैं तमाम प्रकार के बॉटल्स यहाँ जलकुंभियों के ढेर हो गए हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, और यही है प्राकृतिक सौदाह गृह। इस पर जाने का रास्ता आगे से है रोड से। और दोस्तों जो फिलहाल में भी दाह संस्कार किया जा रहा है वह आगे से एक गली है, उसी गली में किया जा रहा है। और जो मशान बाबा की मंदिर थी वह भी डूब गई है, आपको शायद ही दिख रही हो, वहाँ पे था जो नाव खड़ी है वो भी डूब चुकी है पूरी तरीके से। और जो सारी नाव है आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। अभी तो फिलहाल में जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे नाव पर भी यहाँ रोक लगा है। आप देख सकते हैं आपको गंगा में एक भी नाव चलते हुए नहीं दिख रही होगी। और कुछ लोग वहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। और सामने वहाँ पे राजघाट पुल है, और मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और अभी हम हैं हरिश्चंद्र घाट पर, हम आपको मणिकर्णिका घाट के भी नज़ारे दिखाएंगे। इसके बाद हम वही वीडियो लेके अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये सब दुकानें देख सकते हैं अभी बंद है। और इधर का नज़ारा एक बार पुनः आप सभी अवलोकन कर लीजिए। और वो देख रहे हैं आप जो श्री सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का जो एक छोटा सा बोर्ड लगा है, वहीं पर ही उसके बगल में ही दाह संस्कार होता था, नीचे भी होता था और सीढ़ियों पर भी होता था। लेकिन अब बढ़ती गंगा के जलस्तर के कारण वह पूरी तरीके से डूब चुका है। आइए हम इधर का नज़ारा दिखाते हैं। भैया आपका नाम क्या है, आप अपना नाम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। राजा नाम है, राजा चौधरी नाम है। हम लोग ये हरिश्चंद्र घाट पर पैदा हुए हैं, एडिया रहते हैं, एडिया जन्म हुआ है, सब कुछ हुआ है जी। अच्छा ये बताइए आप हमें कि जो भी दूर दूर से या वाराणसी में ही रहने वाले लोग पास से बॉडी लेके यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको बॉडी जलाने में क्या क्या दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है? मान लीजिए तीन चार डेड बॉडी आ जाता है, ये लगाने वास्ते दिक्कत होती है। यहाँ पे जो कोई करता नहीं है, हम लोग करते हैं, हल हल के जराते हैं जी। गली से जंगा है जी, हम लोग गली में भी, हम लोग अपना गली पूरा दे दिए, गली में भी जर रहा है डेड बॉडी जी। भाई आप ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, और आप रहने वाले हैं। और आप बचपन से ये कर रहे हैं क्या, डेड बॉडी जलाने का काम? 10 साल का थे तब से हम लोग कर रहे हैं।
पढ़ने में आपकी कोई रुचि नहीं हुई? कुछ रुचि नहीं है, लोग पढ़ के भी आते हैं तब उन लोग यही काम है, हम लोग का यही काम है तो हम लोग क्या करें। आप लोग का यही काम है? हम लोग का यही काम है, मान लीजिए नीचे भी जरता इधर लोहा बना है मोदी जी वाला, जो 3 डो लोहा बना है जी, अभी डूब गया है, मान लीजिए लोग लोहा में भी सुविधा दे देते है, आदमी दूर दूर से आता है, कम लकड़ी रहता है तब उन लोग जरा देते है उसको। जी जी। हम लोग लवारिस भी जराते है, पुलिस वाला भी लिया था, हम लोग जराते है उसको लवारिस। जी अच्छा, आप ये बताइए कि आपके घर परिवार में भी सब यही करते हैं? खाली मेरे भैया करते हैं, पापा करते हैं, हम करते हैं, और कोई नहीं करता है। आप कभी रुचि नहीं रखे क्या पढ़ाई लिखाई में कि भाई हमें ये छोड़ के और कोई काम करना है? नहीं, हम लोग का यही काम है तो हम लोग यही करेंगे, और यही काम है। क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो बोलेंगे आप घाट का चौधरी, अरे साहब अरे सब क्या करे तू, तू लोग घाट का चौधरी, लोग खुद ही आपको लग गया इलाज ऐसे क्या करे तू। मोदी जी ने आप लोगों को क्या फैसिलिटी दी यहाँ पे, क्या आप लोगों के लिए उचित व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? अरे सब किया है, जो उनका उन्हीं को जैसे 3 डो लोहा आया है सब उन्हीं कर रहे हैं ना, अब कौन कर रहा है। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों को बहुत ही व्यवस्था किया, बहुत ही सहायता की आप लोगों की? हाँ सहायता किया है, अब बस ये मट्टी आ जाएगा तब इन लोगों को दिक्कत हो जाएगा डेड बॉडी जलाने। अभी तो फिलहाल में बढ़ती गंगा जल स्तर के कारण तो दिक्कत तो हो गई है, अभी फिलहाल में गली में तो जलाया जा रहा है, अभी थोड़ा पानी घटा है, मान लीजिए यही पे जरेगा 3-4 ठो, अभी यही ना जरेगा, अभी पानी घटा है, यही पर ही 3-4 जल जा रही है रात से। हाँ ये जल रही है, अभी गली में भी जल रही है, 5-6 डे गली में भी जलता है, गली में भी जलता है। हाँ हाथी गुड़वा डूब जाता है, यही हरिचंद घाट पे जलता है, मकंका डूब जाता है नीचे का। जी जी, और भी क्या जानकारी है आपके पास हरिचंद घाट के बारे में? अरे क्या बताएं आपको, सब देखिए हरिचंद का मूर्ति यह है, हरिचंद के नीचे डूब गए हैं, वो बाबा मसानाथ है, हरिचंद ने अपने हाथ से स्थापित किया है, सब किए हैं, सब डूब गया, सब डूब गया। आप लोगों को तो बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा ना बॉडी जलाने में? हाँ तो दिक्कत होगा तब भी ना लोग जला रहे हैं, मान लीजिए इतना दूर दूर से आ रहे हैं तो लोग क्यों जला रहे हैं, लोग उन्हीं की वजह से जला रहे हैं ना, 2 जलाएंगे तब भी 2 रुपया मिलेगा हम लोग को। जी जी, और भी आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग का परिवार भैया और लोग, लंबा परिवार है आप लोगों का? लंबा परिवार है और सब लोग यही काम करते हैं, सब यही काम करते हैं भाई बंधु। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बने रहिए ऐसे ही अपने कामों पर, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आप लोगों को काफ़ी सेवा की है, सुविधा दी है आप लोगों को, और मणिकर्णिका घाट का भी ऐसा ही हाल हुआ होगा, उससे ज़्यादा मणिकर्णिका घाट पे आप देखेंगे तो आप खड़ा हो नहीं पाएंगे जी, वहाँ चुम्बल के लोहा में जड़ता है, अच्छा नीचे का पूरा पानी भरा गया है। जी जी, आइए लेके चलते हैं आपको वहाँ पे जहाँ बॉडी का दाह संस्कार इस समय किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ गया है इसलिए गली में ही दाह संस्कार किया जा रहा है। ये जो आप गली देख रहे हैं यही गली है, देख सकते हैं सामने वहाँ पे दाह संस्कार किया गया है, उसके अलावा 1-2 बॉडी घाट पे भी किनारे ही जला दी गई है, और इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे दाह संस्कार किया गया है। क्योंकि घाट पर काफ़ी दिक्कत हो रहा है गंगा के जलस्तर के कारण, इसलिए यहाँ के लोग यहीं पर ही बॉडी जला दे रहे हैं गली में, और कुछ 1-2 बॉडी जो है वह घाट पे भी जला देते हैं। दिन भर में कितना बॉडी जला देते हैं भाई आप लोग? दिन भर में मुर्दा आ जाता है 20-25 ठो, 20-25 ठो यहाँ पे आ जाता है। हाँ, दिन भर में जैसा कि बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे 20-25 मुर्दा आ जाता है, कुछ गली में जला देते हैं और कुछ आपको जो मैंने दिखाया घाट के किनारे कुछ जगह था वहाँ पे भी जला देते हैं, और इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी पूरी तरीके से जला दी गई है, केवल राख यहाँ पे बचा हुआ है, वही राख गंगा जी में फेंका था, यही जो राख होती है फिर गंगा जी में फेंकी जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।